अभी मैं बीच में आ गया हूँ और ये बीच की खासियत यह है कि यहाँ का सैंड जो है ना ब्लैक है, क्योंकि वोल्केनो की वजह से यह बीच बना है, यह आइलैंड बना है। और यह लहरें देखो, क्या लहरें हैं यहाँ पर। ये सेंटोरिनी का सबसे लंबा बीच है, 3 किलोमीटर लंबा है, और इधर पहाड़ है। तो पहले उस पहाड़ के साइड पे चलते हैं, फिर बाद में उधर से 3 किलोमीटर इधर पैदल चलते हैं, तब समझ में आएगा अपने को। ये वोल्केनो वाला पहाड़ है, अभी भी 2-3 जगह ऐसे है जहाँ पे वोल्केनो इसमें चल रहा है। मैं उसको छोड़ के आ गया, थोड़ा पैदल चलते बन नहीं रहा था रेत में, इधर पत्थर में आ गया। इधर साइड में पूरा दुकानें हैं, मसाज, स्पोर्ट, डीप टिश्यू, रिलैक्सेशन करते हैं लोग। रेस्टोरेंट है, तो पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। ये जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब विथिन 1 किलोमीटर में है, लेकिन ये जो बीच है ये 3 किलोमीटर लंबा है। इस पहाड़ के छोर से मैं स्टार्ट करूँगा, 3 किलोमीटर पैदल चलूँगा, देखूँगा पास में। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर वॉलीबॉल है बीच, वॉलीबॉल ये रहा। इसमें लहरें बहुत है क्योंकि ये जो है ना अभी एकदम आइलैंड आ गया, तो इसको घेरने के लिए कुछ वो नहीं है। जैसे एथेंस का जो पानी था वो एकदम नॉर्मल था, क्योंकि उसके चारों तरफ ना कुछ छोटे बड़े टापू थे। अब ये सेंटोरिनी खुद ही टापू है और इसके आसपास पे कोई दूसरा बड़ा टापू नहीं है, छोटा मोटा टापू तो है, बड़ा टापू कुछ नहीं है। तो इस पर जो लहरें बन रहा है ना वो बहुत दूर का बन रहा है, और उसकी वजह से अच्छा खासा इसमें लहरें हैं, आवाज़ भी तेज आता है। यहाँ पे लोग जो है यूरोप से लोग आते हैं जिनको भी धूप चाहिए वो, लेकिन अभी ये अक्टूबर के बाद से डल पीरियड शुरू हो जाता है, कम लोग आते हैं, जबकि अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छा मौसम है, क्योंकि अभी बाकी जगह पे हालत 10 डिग्री 12 डिग्री चल रहा है, यहाँ पे बढ़िया 30-32 डिग्री चल रहा है, एकदम वो है। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने में सबसे ज़्यादा यूरोप के लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे समर वेकेशन चलता है, बच्चों की छुट्टी रहती है, लोग नौकरी से छुट्टी लेते हैं, और उस समय 1 महीने के आसपास लोग रहते हैं, जबकि आइलैंड में टोटल 60 या 70 हज़ार लोग रहते हैं टोटल, हर जगह आदमी आदमी रहता है। उधर के लोगों को सीजन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी गर्मी का सीज़न है और यहाँ भी गर्मी रहता है, इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ। गर्मी के सीज़न में गर्मी जगह में आने का मतलब नहीं है, लेकिन अभी टाइम में अक्टूबर नवंबर ये सबसे लीन पीरियड माना जाता है, डल पीरियड है, लेकिन अभी विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बढ़िया रहेगा अगर इंडिया में ठंड पड़ रहा है तो। और टाइम पास भी बढ़िया है। ये देखो एकदम मैं पहाड़ के पास आ गया तो लहरें बढ़ते जा रहे, लहर इधर देखो लहर, ये बीच बनाया है इन्होंने, लेकिन लहरें देखो खतरनाक। ये जो ब्लू और वाइट वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये सेंटोरिनी की खासियत है। यहाँ का हर घर जो है, कुछ कुछ आइलैंड में हर घर जो है वाइट में बना है, पेंटिंग है, और उसका जो ऊपर डोम वो ब्लू कलर का है, ये इनका सिग्नेचर है सेंटोरिनी का। सेंटोरिनी इसीलिए पॉपुलर है, जैसे जयपुर में पिंक सिटी बोलते हैं ना, या उधर क्या कहते हैं जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं क्योंकि ब्लू कलर का है, वैसे ही सेंटोरिनी में वाइट और ब्लू ही रहता है। पास ही आ गया मैं।
ये इनका पूरा डोम के स्टाइल में रहता है, ऊपर का जो छत है वैसे रहेगा, सबका घर भी ऐसे रहता है, जैसे गुफा उफा में रहता है। जैसे वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ में उन्होंने मोनेस्ट्री बना के रखा है, मतलब किसी जमाने का। अभी सब खाने पीने का है, सामने वाला बीमारी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली बहुत हैं, ग्रीस में भी बहुत हैं। मतलब वो बता रहा था, एक आदमी से पूछा था तो बोला था कि 25-30 हज़ार बंगाली हैं यहाँ पर, मतलब पूरा ग्रीस में, और बंगाली मेनली एथेंस में हैं। उसके बाद 40 हज़ार करीब, 35 से 40 हज़ार इंडियन हैं, जो कि एथेंस में कम है और आइलैंड में ज़्यादा है, तो सेंटोरिनी में हो सकता है बहुत हो इंडियन, धंधा पानी कर रहे होंगे कुछ। और 80 से 1 लाख के आसपास, 80-90 हज़ार पाकिस्तानी है, वो भी दोनों जगह है, वो जिसमें भी है यहाँ भी है। तो अपने देसी लोग जो हैं, 1.5 से 2 लाख का पॉपुलेशन अच्छा खासा है उनका भी, तो आपको अपने पसंद का टेस्ट का खाना मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इंडियन कॉन्ट का इस टाइप का चलता ही है, ये रेंट में लेके 40 यूरो 50 यूरो में 24 घंटे का देता है, मैंने बात किया। लेकिन उसका खासियत यह है, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मेरे पास नहीं है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और 2 आदमी हों तो बहुत सस्ता है वो, क्योंकि 2 लोग आराम से 2 घूम सकते हैं, और फिर उसमें क्या है ना, अपना टाइम भी बचता है। अब एकदम मैं पास में ही आ गया, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, इनमें सोने वोने का भी रेट रहता है ना, ये जो बेड मिलता है ना, बेड का भी 10 यूरो 20 यूरो 40 यूरो इस टाइप का लेते हैं, मेरे को आइडिया नहीं कितना लेते हैं, लेकिन फ्री में लेता है, ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे, उसका पैसा वो लेगा। ये अभी मेन जगह पे आ गया मैं, पहाड़ के ऊपर ही एकदम पास में ही। घर देख रहा हूँ, ये जो है ना ये काला है रेत, सफ़ेद नहीं है। यहाँ पे सफ़ेद भी रेत है, काला भी रेत है, अलग अलग बीचेस का अलग अलग खासियत है। ये वाला काला है क्योंकि ये पूरा वेल्कोनो का पावो है, और ये पहाड़ देखो, एकदम चट्टान है, पहाड़ नहीं है, चट्टान है एकदम। ये कभी घास भी लग सकता है, इतना बड़ा चट्टान है ये मतलब हिमालय टाइप का नहीं है, मतलब कि टूट जाए गिर जाए जाता, एकदम चट्टान है, ये गिर ही नहीं सकता इसको। अब डायनामाइट से उड़ा गए तब भी मेहनत लगाना पड़ेगा। ये पूरा आइलैंड वैसे ही है क्योंकि ये ऊपर नीचे है और वॉल्केनो से ही बना है, 1000 साल लाख साल पहले की बात है, अभी की नहीं है। ये नाम है इसका, बिगनिंग लिखा है, बिगनिंग ऑफ द अवॉर्डेड सीसोर, APXH। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, यहाँ पे कार ला के रखा है, पता नहीं कौन ले आया है। यहाँ से शुरू होता है जी, पानी जो है नीला नहीं है, काला टाइप का है, क्योंकि रेत काला है ना, इसलिए पानी भी काला दिख रहा है।
हालांकि पानी साफ है, लेकिन जैसे एथेंस का पानी था नीला, वैसा नीला नहीं है, पानी काला है। और मछली भी है यार, बड़े बड़े मछली है, देखो मतलब एकदम लंबे लंबे मछली है, सांप टाइप के मछली दिख रहा है इसमें। भाई समुद्र में पहली बार मैंने मछली देखा था ऐसे लाइव समुद्र में, नहीं तो फिर अपने बम्बई में तो दिखता नहीं, और कहीं मैंने देखा नहीं। मतलब एक्वेरियम में अलग बात है, ऐसे जिसमें लाइव नहीं देखा, लाइव यहाँ बहुत सारी मछली दिख रहा है, मारते हुए लंबी लंबी मछली, बम्बीलो या बम्बे बम्बी क्या बोलते हैं उस टाइप का। तो ये है पूरा मेन चट्टान है एकदम, यहाँ तेज है। अच्छा तभी तो ये मछली मार रहा है, ये उल्लू इधर क्यों मार रहा है, उधर मछली है इधर मार रहा है। अरे क्या अब दूर फेंक रहा भाई, एकदम बीच में मार रहा है, मिलेगा क्योंकि मछली वाला एरिया है, समझ में आ गया मेरे को। ये जो है चट्टान है एकदम, नीचे बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो कूदोगे तो हाथ पे टूट जाएगा, सीधा फटेगा। तो कूदना नहीं चाहिए पहली बात ये, और दूसरा जो है चप्पल पहन के या जूता पहन के उतरना चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत तीखे रहते हैं, नुकीले रहते हैं पत्थर जो है, और सर केवल कभी भी नहीं कूदना चाहिए, कभी भी नहीं। एक तो कूदना नहीं चाहिए, और मान लो कूद भी रहे हो तो पैर के बल ही कूदो, सर के बल कूदोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये है स्टोरी इसका, एकदम बढ़िया पानी है लेकिन काला पानी है, मतलब काला की वजह से ये पानी काला दिख रहा है। तीन चार लेके आया ये घड़ी, खेल रहा है, ये रहा फिशिंग, एक लगा के दूसरा इधर लगाया, ये लगा रहा है दूसरा, दो लगाएगा। चलो अभी रखते हैं, दूसरा बनाता हूँ, पाओगे